जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ डाटा दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है। मैं अभी इसको समझाने वाला हूँ। इस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसकी वजह से प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिजिकल में ही आउट कर दिया जाएगा। इसका रीज़न क्या है, अभी वो मैं क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा। एंड यहाँ पर ये भी बात करने वाला हूँ, कितने स्टूडेंट्स आपकी फेस टू के लिए सेलेक्ट होंगे, RM के लिए और कितने RO के लिए, दोनों चीज़ें बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको पता है आगे भी आपको हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है इस बार का, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ लोगों का डाउट यह था कि पिछली बार जितने लड़के सेलेक्ट हुए थे, यानी कि जितने परसेंट, जितने गुना बच्चों को बुलाया गया था फेस टू के लिए, क्या उतने बुलाए जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार आपके जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपके 20 गुना, यानी कि 20 गुना आपके लड़कों को बुलाया जाएगा। और पिछली बार काफ़ी कम बुलाया गया था, RO में तो सिर्फ 6 गुना बुलाया गया था और RM में 11 गुना कुछ बुलाया गया था। मैंने अभी निकाला है डाटा, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है, तो इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। यहाँ पे ये जो डाटा मैंने लिख रखा है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल ऑफ वैकेंसी आपने देखी होंगी फॉर्म में, आप सभी को यही बताया गया होगा, लेकिन ऐसी एक्चुअल में वैकेंसी है नहीं। RO में आपकी 982 और RM में आपकी 330 वैकेंसीज, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोला गया है कि 10% वैकेंसी रिजर्व हैं। किन लोगों के लिए? जो लोग वहाँ पे पहले से ही जॉब कर रहे हैं BSF में या फिर उसके डिपार्टमेंट में अगर जॉब कर रहे हैं, वो लोग फिर से देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, या फिर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो डिपार्टमेंट में ही है, तो उन लोगों के लिए 10% रिजर्व हैं। तो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी ये 10% वैकेंसीज जो है, बाकी किसी को नहीं मिलने वाली है। तो इनमें अगर हम 10% माइनस कर दें एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन में बताया है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है मैं वही आपको करके बता रहा हूँ। तो अगर हम 10% इसका माइनस करते हैं तो RO में एक्चुअल वैकेंसी जो आती हैं वो आती हैं 884, यानी 884, और RM में जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी 297। तो ये हो गई आपकी एक्चुअल वैकेंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वालिफाई कराया जाएगा फेज़ टू के लिए। तो फेज़ टू में जो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, आपको सबको पता है कि ऑफिशियल बोला गया है कि 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा जितनी भी वैकेंसीज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपके जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होने वाले हैं वो होने वाले हैं 17,680 लड़के, ये क्वालिफाई होंगे आपके फेज़ टू के लिए। 17,680 लड़के क्वालिफाई करेंगे RO के लिए, और RM के लिए 5,940, इतने लड़के क्वालिफाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि मैंने जो भी इसमें लिखा है वो बहुत सोच समझ के लिखा है और डाटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा मैंने मेनी स्टूडेंट्स आउट इन फिज़िकल, तो ये बिल्कुल सही है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज RO में 884 हैं, ठीक है, तो आपको भी पता है कि जितनी वैकेंसीज होती हैं उतने ही लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा। 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, मान लीजिए 5-10 लड़के भी ऊपर हो गए हैं, ज़्यादा लड़के हो गए तो उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वैकेंसी है सिर्फ 884 और आपके लड़के जाएंगे 17,680। तो आप सबको पता है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी कम है तो बच्चों को तो बाहर कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपका जो रनिंग में टाइम है उसको भी अगर मान लीजिए कम दिया जाए, या फिर किसी अन्य वजह से आपका जो फिज़िकल कराया जाएगा वो हार्ड कर दिया जाएगा, कुछ भी कराया जा सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको आउट करना है। क्योंकि 17,680 लड़के जाएंगे और वैकेंसी सिर्फ 884 हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो आउट करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी भी है। तो इसलिए आप लोगों से मैं आप कहना चाहूँगा कि अब आपका रिजल्ट आने वाला है, दिसंबर के 2nd या 3rd वीक तक आ जाएगा, मतलब 20 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आने की संभावना है पूरी। उसके 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अब आप लोग पूरी तरीके से लग जाइए आपके फिजिकल में। आपकी रनिंग अच्छी नहीं है तो रनिंग की प्रिपरेशन कीजिए, पुशअप वगैरह ये सारी चीज़ें आप करके रखिए, प्रैक्टिस अपना स्टैमिना अच्छा कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी वो टफ किया जा सकता है, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है और इतनी भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। जैसे बताया जाता बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 17,000 लड़के जाएंगे, ठीक है, और वैकेंसी सिर्फ 884 हैं। तो पूरा पूरा फोकस कीजिए अपने फिजिकल पर। स्टूडेंट्स मेडिकल में भी आउट हो जाते हैं तो उसकी बात अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइट में और आपके फिजिकल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आउट करने वाले हैं, हाइट और वेट में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाइट आपकी एक्चुअल में होगी तो, क्योंकि तभी ने आपने फॉर्म भरा, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर दिया तो उनको वहाँ पे दिक्कत आएगी। एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिजिकल में आउट किया जाएगा, इसलिए अपना फिजिकल काफ़ी अच्छा कर लें। RM में भी आप देख सकते हैं 5,940, लगभग 6,000 लड़के जाएंगे और सिर्फ 300 लड़के सिलेक्ट होंगे, ठीक, 300 लड़के अगर सिलेक्ट होंगे तो बाकी को तो आउट कर दिया जाएगा ना। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन करनी है फिजिकल की। आई होप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है फिजिकल की। जितना आपने रिटर्न दिया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा जाएंगे, आपको उनमें से कॉम्पीट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ
समझ रहे होंगे जो चीज़। एंड आपका जो भी डाउट था कि आपका रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया था पिछले वीडियो में, कट ऑफ वट ऑफ सब मैंने बता रखा है, आप चैनल पे देखिए सब कुछ मिल जाएगा। BSF से प्लेलिस्ट बनी है उस पर आप देखिए सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संध्यान ध्यान से देखा तो मुझे ये चीज़ें कुछ अलग सी लगी, तो मैंने सोचा इसके बारे में बताते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके रिगार्डिंग भी डाउट आ रहे थे कितने लड़के सेलेक्ट होंगे, तो वो मैंने सारी चीज़ें डाटा एनालिसिस करके बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मान ली वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।